हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे मॉर्निंग और मैं उठ गई थी आधे घंटे पहले, बट हाँ बिस्तर पे फिर से आके लेट गई हूँ क्योंकि मैंने रात में ही प्रिपरेशन कर ली थी जो मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाना है। बैटर मेरा रात में ही रेडी हो गया था, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ अप्पे। अप्पे मैं बनाने जा रही हूँ, तो बस रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था। आई थिंक 3:30 या 4 बज गए थे क्योंकि हम लोग देख रहे थे एक सीरीज़ और एक एपिसोड करते 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 वो हो गए 3:30। तो चलो लेट नहीं करती हूँ, मैं उठती हूँ और चलती हूँ अप्पे बनाने। तो मिलते हैं मेरी किचन में। हेलो, तो आज है मंडे मॉर्निंग और मेरे किचन में बनने जा रहा है अप्पे। तो ये हैं अप्पे के इंग्स जो मैंने पहले से चॉप करके रख लिए हैं, जो मेरे पास अवेलेबल वेजिटेबल्स थी। और ये है बैटर जो कि मैंने रात में ही घर में बना लिया है, तो रात में बना के बाहर ही रख दिया था, तो अच्छे से ये हो गए हैं। तो बस अभी मैं इनको सारी वेजिटेबल्स जो ये हैं कैरेट, कोरिएंडर फ्लावर, नहीं सॉरी, ये कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन अनियंस, तो इनको मैं डालूंगी। मैं ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पीकू है जो वो नहीं खाती, तो मुझे तो ऐसा बनाना है क्योंकि मेरा बच्चा भी खा सके, सिर्फ शूट ही नहीं करना वीडियो। तो ये सारे सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें अनियन, ग्रीन अनियन थोड़े से, और ये थोड़ा डालूंगी, थोड़ा सा मैं डालूंगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं थोड़े से डालूंगी चाट मसाले, थोड़ा सा डालूंगी रेड चिली पाउडर फॉर अ कलर ओनली। इसको अच्छे से कर लूंगी, थोड़ा सा पानी भी दे दूंगी इसमें। कुछ लोग इसमें राई और करी पत्ते का तड़का भी देते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक मेरे पास अभी करी पत्ता नहीं है, तो मैं जो है मैं उसी से बना रही हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी जो कि मुझे अभी याद आया कि ये नॉर्मल इडली डोसे वाला ही बैटर है जो राइस और दाल का बनता है, जो मैंने रात में ही ग्राइंड करके रख लिया था, नॉर्मल उसी का बैटर है, सूजी दही का बैटर नहीं है। इसका भी बनता है अप्पे, बट मैंने उसका नहीं बनाया, तो मैंने सोचा एक बार बता दूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की थी अपने वीडियो में। ये है अप्पे स्टैंड जो कि ऑलरेडी मैंने हीट कर लिया है और सिम कर दूँगी, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। मैं ब्रश का यूज़ नहीं करती, ये ब्रश कुछ भी हो प्लास्टिक होता है, तो मैं ऐसे स्पून से ही यूज़ करती हूँ। बहुत दिन पहले मैं ब्रश लाई थी घर पे, बट मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने उसको ऐसे ही, इसमें ऐसे थोड़े थोड़े हम
राई डाल देंगे। राई हो गई ऑलमोस्ट, और इसमें हम डालेंगे बैटर। इसको अच्छे से ऐसे शेक करने के बाद इसमें हम एक एक स्पून डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा फूलेंगे भी तो थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। हाँ स्पेस रखेंगे, ये ऊपर आए। अगर आपको पसंद नहीं है ऑयल तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बट मैंने थोड़ा सा राई का तड़का अप्पे में ही दे दिया फॉर अ टेस्ट। अगर आप एकदम ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं। क्या होता है अप्पे में कि इसमें सारी वेजिटेबल्स फाइन चॉप रहती हैं, तो बच्चे भी खा लेते हैं इसको, उनको भी अच्छा लगता है बॉल्स जैसा। ये देखो तो बढ़िया हुआ है, मैंने एक पलटा था पहले। ये लग रहा है ना टेम्पटिंग, कहते हैं ना पहले आँखों से खाएंगे फिर हम खाएंगे इनको। आज बारिश हो रही है, मंडे मॉर्निंग जब से सो के उठे तब से ही बारिश है। तो बस इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। एकदम गर्म हो रहा है, बहुत ही टेस्टी बने थे। मैंने खाया, सबने खाया, मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने खाया, बहुत ही टेस्टी बने थे, दिखने में भी वो अच्छे थे। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे कर दिया एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैंने आज तक भी कभी बोला नहीं था प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन वीडियो, तो आज मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ कीप वॉचिंग मी एंड प्लीज़ प्रमोट मी। बस इतना ही, चलिए बाय।